So hello everyone, welcome back once again. Another trip in Gujarat from Anand to Gandhinagar. So मैं यहाँ आ गया हूँ गांधीनगर में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स स्पेस रिसर्च सेंटर है यहाँ पे. तो मैं इसको जा रहा हूँ करने एक्सप्लोर. सो चलिए देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ. और ये है वो मेन रोड जहाँ से हम आए हैं और ये वो मेन एरिया है, कैंपस है इंस्टीट्यूट का, स्पेस रिसर्च सेंटर का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. सेटेलाइट है, मिसाइल है, इसरो की मिसाइल है. तो हम वहाँ देखेंगे कि और क्या कुछ है इंटरेस्टिंग चीज़ें और उसके बारे में आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी मैं बताऊँगा. सो नाउ दिस इज द मेन कैंपस एंड यहाँ आप देख सकते हैं गुजराती में लिखा है, दिस इज भास्काचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट. सो आइए हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की. तो इसकी हिस्ट्री ये कहती है 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज हुआ कि एक स्टेट बेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो उन्होंने एक रेसकॉम डिपार्टमेंट जो है जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में एक डिपार्टमेंट खुला जहाँ पे इसका स्थापना हुई और इसका नाम दिया गया. एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है जिसका नाम है भास्काचार्य, उनके नाम पे हमारे इस स्पेस सेंटर का नाम दिया गया. तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और क्या कुछ. सो नाउ आई एम एट भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन. आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बड़ी सैटेलाइट है. एंड इसकी हिस्ट्री ये थी कि 1997 में गवर्नमेंट को लगा कि स्टेट बेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टेट लेवल पे. तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था RESECOM, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर. आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये है मेन इंस्टीट्यूट भास्काचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन. सो इसके अंदर हम जा रहे हैं और मीटिंग होने वाली है एंड होप इसके अंदर हम कुछ आपको दिखा पाए, जबकि यहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है. सो हम आपको आउटर साइड की सारी चीजें दिखाएंगे, अंदर जहां तक हो सकता है पॉसिबल वहां तक हम आपको दिखाएंगे. अब चलते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ कि देखते हैं वहां क्या है. कि मैं हूं यहां पे भास्काचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन में. तो मैं आपको बता दूं जो RESECOM है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी जरूरत पड़ी थी 1997 में, वो इंडिया का पहला जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है. एंड ये यूज किस लिए होता है, ये फॉरेस्ट, जनरली आपने देखा होगा फॉरेस्ट है उसके लिए यूज होता है, जहां पे हम सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं, मैपिंग करते हैं. तो पहला ऐसा जियोग्राफिक सिस्टम है जो कंप्यूटर बेस्ड है इंडिया के लिए एंड बेसिकली ये काम करता है कोस्टल जोन पे. सो ये था जो RESECOM आपने जो देखा था. और ये अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं छोटे छोटे, जहाँ पे जियो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे स्पेस एलिगेशन है, रिसर्च सेंटर है, सेटेलाइट यूज होता है, उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड ये टूर हमारा यहीं ख़त्म होता है.
तो फिर आपने देखा भास्कराचार्य स्पेस ऑफ इंस्टीट्यूट, ये टूर हमारा यहीं खत्म होता है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओवर एंड आउट।